महाराष्ट्र में पवार परिवार के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, ये एक बार फिर से साबित हो गया। अजीत पवार ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली, जिसके बाद पवार परिवार की फूट खुलकर सामने आ गई। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे पड़ी पवार परिवार में ये फूट और क्यों भतीजे अजीत पवार की राहें अपने चाचा से अलग हो गईं। एक वक्त ये माना जाता था कि उनकी राजनीतिक विरासत के मालिक उनके भतीजे अजीत पवार होंगे, लेकिन अपनी बेटी सुप्रिया सुले को राजनीति में लाकर शरद पवार ने ये साफ संकेत दे दिया था कि जो सोचा जा रहा है वो सच नहीं है। अजीत पवार भी शरद पवार के इस फैसले से हतप्रभ हो गए। उनके लिए चाचा का फैसला अर्श से फर्श पर लाकर पटकने जैसा था। अजीत पवार के बागी तेवर को देखते हुए शरद पवार ने बीच का रास्ता निकाला था। परिवार में ये तय हुआ कि सुप्रिया सुले केंद्र में पार्टी का चेहरा होंगी और अजीत पवार राज्य में पार्टी को पहले की ही तरह संभालते रहेंगे, लेकिन बंटवारा अजीत के लिए बहुत तसल्ली बख्श साबित नहीं हो रहा था, क्योंकि बीच बीच में इस तरह की भी खबरें आईं कि अगर कांग्रेस सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र में अपने चेहरे के रूप में स्वीकार कर ले तो शरद पवार एनसीपी का कांग्रेस में विलय कर सकते हैं। ये बात दिगर है कि सुप्रिया के नाम पर कांग्रेस के भीतर ही एक राय नहीं बन पाई, क्योंकि पार्टी में जो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं उन्हें सुप्रिया किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं हुई। खैर, परिवार में विरासत की लड़ाई को धार तब मिली जब उनके दूसरे भतीजे रोहित ने अपने दादा की राजनीतिक विरासत में हिस्सेदारी का दावा ठोकते हुए लोकसभा चुनाव पर अपनी दावेदारी जता दी। अजीत पवार को लगता है कि शरद चाचा दूसरे चाचा के परिवार को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इसी बीच एनसीपी ने महाराष्ट्र की बीजेपी शिवसेना सरकार के खिलाफ यात्रा निकाली, लेकिन उसका नेतृत्व अजीत पवार को सौंपने के बजाय शरद पवार ने पार्टी के दो दूसरे नेताओं को दिया। बताया जाता है कि यहीं से अजीत के दिल में ये बात पक्के तौर पर घर कर गई कि उन्हें किनारे लगाने की कोशिशें हो रही हैं। राजनीति के वो कोई नए खिलाड़ी तो है नहीं, लिहाजा उन्होंने अपना दांव चलने के लिए एक ऐसा मौका चुना जब एनसीपी के सामने महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।